हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक नए दिन की शुरुआत एक नए वीडियो के साथ। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। और आप देख सकते हैं मैं बारिश में आप लोगों के लिए एक ब्लॉग बनाने आ गया। और कल से ऐसे ही बारिश लगी हुई है। कल मैंने आपको सारा दिखाया था कि बारिश आके परेशान कर रही थी, पर अब उसके बाद रात से बारिश बंद ही नहीं हुई है। और आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आ गया हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। देखो कितना प्यारा लग रहा। और इस समय सब लोग घर के अंदर चाय का मजा ले रहे हैं, पर मैंने सोचा मैं आप लोगों को पहाड़ों की बारिश से मिलवा दूं ज़रा कि पहाड़ों में बारिश होती है तो कैसा लगता है। और देखो अरे यार ये ठंडी, अरे ये घास वास तो कितनी गीली हो रही है। और अय्या, और देखो दोस्तों ठंडा भी लग रहा है यार। मैं तो एक टी शर्ट लेके आ गया यहाँ पर। और वो देखो पंचायत घर, बचपन में हम जब भी आते थे उस पर बैठ जाते थे बस, और सब लोग भी वहीं आते थे मिलने के लिए। और ये वहाँ का बैठक है, समझ लो एक मीटिंग पॉइंट समझ लो इसको, इस रिखानी गांव का। दूर दूर से जितने ही बंदे हैं शहर से जो भी आता था इस पंचायत घर पे आके बैठ जाता था, उसे देख के इधर उधर से सब लोग आ जाते थे और सब फिर यही मुलाकात होती थी। और क्या टाइम था ना वो दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया। और मैं ज़्यादा बाहर कैमरा निकाल नहीं सकता क्योंकि भीगने का रिस्क ले नहीं सकता, और कैमरे से बहुत सारे काम करने हैं आगे भी, तो इसलिए इतनी भी ज़्यादा इसको भिगाना ठीक नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने छाता के अंदर इसको रखा हुआ है। रास्ता देखिए कुछ इस तरीके का है, घास बहुत ज़्यादा हो रखी है यहाँ पे। ओ भाई इस समय बहुत डर सा लगा रहता है। और मैं यहाँ पे क्यों जा रहा हूँ मैं भी आपको बताता हूँ। जब हम लोग छोटे होते थे मम्मी पापा के साथ यहाँ ननिहाल आया करते थे, तब हम यहाँ पर पानी के लिए आते थे। और ये घास इतनी गीली है ना यार, मैं बेकार ही आ गया, मेरा पजामा गीला कर दिया इसने तो यार पैरों के पास से। तो हम लोग यहाँ आया करते थे पानी लेने। और पानी लेने आप सोचोगे यहाँ पे कहाँ जा रहे हो, ये वैसे तो रास्ता है दोस्तों अच्छा खासा, पर अभी ना पहाड़ों में असोज का टाइम आ रहा है। तो असोज में क्या होता है, घासें बढ़ती हैं फिर बाद में इसे काटा जाता है जब ये थोड़ा बड़ी हो जाती हैं, तो अभी इसे ऐसे ही छोड़ा जाता है। तो इसलिए अभी रास्तों का पता नहीं चलता कि रास्ता है या खेत है। तो ये देखो मैं आ गया हूँ यहाँ तक। मैंने इतना रिक्स ले लिया कि मेरा पजामा नीचे से गीला हो गया दोस्तों सारा, ये यार क्या बोलूँ। पर ठीक है, कोई नहीं, चलता है। आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाना है तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और ये है मंदिर, देखो दोस्तों कितना प्यारा और बहुत ही पुराना महादेव का, वो देख सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ पे पहाड़ों में आपको ऐसे प्राचीन मंदिर मिलेंगे जो पता नहीं कैसे कैसे टाइम से हैं, जिनके बारे में लोगों को शायद ढंग से पता भी नहीं होता है। वो लोग भी पैदा होते हैं तो सीधा मंदिर ही देखते हैं, और कब से है क्या है पता नहीं है। और देखो ये रहा, बड़ा डर लग रहा है भाई से देख के तो। और ये देख सकते हैं ये नोहला है, और अभी तो फ़िलहाल ये पूरा खाली हो गया है देखो, पर कभी इसके अंदर इतना पानी होता था ना दोस्तों, ये देख सकते हैं आप पूरा खाली है। और ये ऊपर तक भरा रहता था, आप देख रहे हो जितनी सीढ़ी दिख रही है आपको, सीढ़ी के भी ऊपर तक, और यहाँ से बाहर आ रहा होता था पानी, तो यहाँ पर इतना पानी आता था। और ये इसे पूरा गांव पानी भरता था यहाँ से। ये देखो बीचे बाके इससे उधर पारा बाके जो मैंने आपको कल के ब्लॉग में दिखाया था, तो सब लोग यहाँ पे पानी भरने आते थे दोस्तों। और बुरा लग रहा है देख के यार कि ऐसा खाली पड़ा है, ये सूना पड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, कहाँ चला गया ये सारा पानी, पता नहीं क्यों। पहाड़ों की दशा ऐसी हो रखी है कि जहाँ नदी होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, वहीं पर ही सब कुछ मतलब सूख रहा है, तो सोचा मिल ही जाता है। पर ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है देखो वो शिवलिंग दिख रहा है दोस्तों आपको, जय हो महादेव। देखो कितना सुंदर है दोस्तों, देखो शिवलिंग दोस्तों, आप लोग वैसे शिवलिंग देखते हो पर ये देखो रियलिटी का शिवलिंग है। और ये पत्थर भी बड़ा मतलब अलग ही चीज से बना हुआ है। और ये महादेव का है पूरा मंदिर, देखो कितना सुंदर है दोस्तों। ये देखो इसके आस पास ये सब पहाड़ों में ऐसी प्राचीन चीज़ें बनी हुई मिलती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देख के, दिन ताज़ा हो गए। हम सब लोग आते थे यहाँ बैठ जाते थे, मन घंटी हो जाते थे। और यहाँ से मौसी लोग मेरी पानी भरते थे और उधर से लोग भी आ जाते थे। और एक बात थी यहाँ पे, और एक ख़ास बात थी दोस्तों इस गांव में, या इस गांव में क्या हर जगह पे पानी लेने के आने की देर होती थी, जो बाकी लोग होते थे वो भी देख के आ जाते थे, मतलब एक साथ रहता था कोई ना कोई, किसी ना किसी के बहाने पानी लेने आ जाता था। तो ये है दोस्तों मंदिर, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और साथ में बारिश का ये मौसम भी आपको पसंद आ रहा होगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो फिर।
और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो, ताकि मैं भविष्य में ऐसे उत्तराखंड टूर करता रहूं और आप लोगों के लिए ऐसे प्यारे प्यारे ब्लॉग लाता रहूं उत्तराखंड से जुड़े हुए। और यहाँ ऊपर भी एक मंदिर है जो इन पेड़ और झाड़ियों के बीच में है थोड़ा ऊपर, तो वो भी बहुत प्यारा है, पर वो आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि देखने में तो पत्थर सा ही लगता है, पर है वो मंदिर। लेकिन और वो देखो, कल मैंने जब आपको यहाँ से वीडियो बना के दिखाई थी उस पंचायत घर के ऊपर से, तब आपने देखा था दोस्तों वो कितना प्यारा लग रहा था सामने पहाड़, इतना ज़्यादा कोहरा था, उन पे बादल थे, उन पे कुछ भी कहो। और अभी इस समय देखो सुबह के टाइम पे वहाँ एक भी चीज़ नहीं दिख रही है, आधा पहाड़ दिख रहा है सिर्फ, जो पास है जो दूर है वो तो दिख ही नहीं रहा। और कल के वीडियो में जो आपने देखा उसमें अभी में देखो कितना फ़र्क है दोस्तों। तो ये है कुछ पहाड़ों का मौसम जो कुछ इस तरीके से अपना रंग बदल देता है छोटी छोटी बात पर। और पहाड़ों की बारिश का तो क्या ही कहना। देखो दोस्तों, शहरों में सच में बारिश उतनी अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्यों, मैं तो नहीं जानता, मुझे नहीं लगती, आई होप आपको भी लगती होगी या नहीं लगती होगी तो आप जानते हैं, पर लेकिन मुझे नहीं लगती क्योंकि कुछ समझ नहीं आता शहरों की बारिश का सेंस, मेरे को कभी समझ नहीं आया। अगर आप इंजॉय भी करना चाहो तो बस बारिश में भीगो और आमने सामने बस वही मकान हैं, बिल्डिंगें हैं, और सबसे बड़ी बात रोडों पर ट्रैफिक हो जाता है। लेकिन पहाड़ों में बारिश से क्या होता है दोस्तों, देखो हर एक चीज़ धुल जाती है, पेड़ ये जो भी पेड़ पौधे हैं घास से सब धुल जाते हैं और इतने ज़्यादा हरे हो जाते हैं ना कि आपको ये पूरा पहाड़ ना इतना सुंदर लगने लगता है, और इनके बीच में जो घर है ना दोस्तों वो आपको और भी खूबसूरत लगने लगते हैं। तो इस तरह से पहाड़ों में कुछ बारिश के टाइम पर लगता है जो कि मुझे बहुत प्यारा लगता है, और दूर दूर तक तो देखने का आनंद ही अलग है। शायद वीडियो में आपको उतना नहीं समझ आ रहा होगा, पर लेकिन रियलिटी में जो मैं देख रहा हूँ ना दोस्तों, इस खूबसूरती का ना कोई जवाब नहीं है दोस्तों, बहुत खूबसूरत दोस्तों, बहुत खूबसूरत। अभी जाता हूँ वापस घर, आप लोगों के लिए छोटा सा ब्लॉग बनाने निकला था, गर्मा गर्म पीऊँगा चाय, और चाय के साथ कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो गर्म गर्म चाय तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है। मुझसे कहा था घर वालों ने कि भाई ले जा स्वेटर या जैकेट, मैं भी चौड़ा चल रहा था दिल्ली वाला, अरे इतना थोड़ी ना होता है बोल के। और पजामा देखो दोस्तों, ये पूरा मेरा गीला हो गया है, इतनी घास हो रही है कि पजामा गीला हो गया। और यहाँ पे ना थोड़ा बढ़िया है दोस्तों, यहाँ पे ना इस पेड़ की वजह से ना ऐसे तो ऊपर को दिख रही है, पर इसके नीचे खड़े होने से ना बहुत फर्क पड़ रहा है, लेकिन बारिश काफ़ी ज़्यादा रुक रखी है यहाँ पे। और वो मेरा ननिहाल यानी मेरी मम्मी का घर देख सकते हैं, दिख रहा है थोड़ा सा, और सामने ये पंचायत घर, ये तो यार इससे तो बहुत सारी यादें हैं यार, पूरा दिन यहीं पड़ा रहता था मैं, इस पे जाके तो लेट जाता था मैं रात को भी, छत जैसे दिल्ली में छतों में लेट रहते, वहाँ पे इस पे लेट जाता था मैं यहाँ आके, तो काफ़ी मज़ा आता था इस पे। उस समय सब लोग यहीं थे यार, बहुत अच्छा लगता था यार सबके साथ, सब इकट्ठे हो जाते थे शोर शराबा आस पड़ोस में, इधर से सारे बच्चे इस साइड से आ जाते थे और हम लोग बहुत इन्जॉय करते थे यार यहाँ पर। लेकिन अजीब लग रहा है कभी कभी, सोचता हूँ कि बचपना क्यों चला गया, बचपना ही जो लाइफ थी वो बचपना ही था, कुछ पता नहीं था आगे क्या करना है क्या नहीं, बस जीना है और इन्जॉय करना है, बस वही थी लाइफ सबके साथ। पर आज बड़े हो गए तो ऐसा लग रहा है बहुत सी चीज़ें खो दी हैं जिनकी शायद कदर नहीं की होगी हमने सही से। और मैं क्या, हर कोई इंसान जिसने अपना बचपन ऐसे जिया हो उसके बाद वो भी सोचता होगा ना, बहुत से जिन लोगों की ऐसी मेमरीज होंगी कि यार वो शहर में रहने वालों की उतनी खास नहीं रहती है मेमरीज, क्योंकि वो शहरी लाइफ जी रहे होते हैं, लेकिन गांव में ना कुछ ज़्यादा ही खास होती है लाइफ, ऐसे पहाड़ों में घूमना, उन लोगों के साथ उठना बैठना, खाना पीना इंजॉय करना, और ऐसे छोटे छोटी चीज़ों पे बैठ के टाइम पास करना, और ग्वाला जाना, पानी लेने जाना, बाज़ार जाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। और बाज़ार से याद आया कि आपको वो टॉप पर दिख रहा है जहाँ से मैं बाइक ले कर आया था, तो यहाँ से पूरा पैदल जाया जाता था, उसमें रोड नहीं थी, पर आज भी रोड है पर फ़ायदा नहीं है, गाड़ी तो आती नहीं है, तो इस पर पूरा पैदल जाते थे, वहाँ टॉप था। और आज भी मेरे मामा के बच्चे वहाँ टॉप पे जाते हैं बिल्कुल, और उस टॉप पे जाके फिर रोड है, फिर वहाँ से वो थोड़ा आगे जाके स्कूल है, तो इतना दूर आज भी चल के जा रहे हैं। देखो तो देख सकते हो दोस्तों, पहाड़ी लाइफ थोड़ा ऐसी होती है, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा होता है। और अभी सामने आप दिख रहा होगा आपको, थोड़ा थोड़ा क्लीन हो गया है, देखो हल्का फुल्का आपको पहाड़ दिखने लग गए होंगे, पर लेकिन पहाड़ों की यही खासियत है। अभी ये जो कोहरा उठ रहा है ना दोस्तों, ये फिर ऊपर जाएगा और ये फिर बारिश बन के फिर बरसता है, और फिर कोहरा बनता है, फिर ऊपर जाता है, फिर बरसता है, तो यहाँ बहुत परेशानी होती है पहाड़ों में इन चीज़ों को लेकर। पर लेकिन हमें तो इन्जॉय करना है, हमें तो इन्जॉय करने को मिल रहा है, हम इसे इन्जॉय करेंगे, हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है। हाँ यहाँ के लोगों के लिए हो जाती है क्योंकि वो उनका डेली रूटीन होता है, कहीं तो हमें काम करना है, मार्केट जाना है, ग्वाला जाना है, बहुत सारे काम करने हैं, तो उनके लिए दिक्कत हो जाती है। पर मुझे और आप लोगों को तो मज़ा आ रहा होगा क्योंकि मैं आप लोगों के लिए व्लॉग ला रहा हूँ ऐसी खूबसूरत जगहों से, तो आप इन्जॉय करें, हमें किस बात की परेशानी, हमें तो बस व्लॉग बनाना है।
प्यारे प्यारे ब्लॉग बनाने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लगे। और देख सकते हैं मैं भीगते भागते किसी तरह वापस यहाँ तक आ गया हूँ। तो बहुत खूबसूरत है दोस्तों, बहुत खूबसूरत। पहाड़ों की कितनी भी तारीफ कर लो दोस्तों, कम है। और इस GoPro की बैटरी ना वो जल्दी जल्दी खर्च हो रही है। और सामने आप देख सकते हैं थोड़ा सा क्लीन हो गया है मौसम, देखो। और पंचायत घर भी प्यारा लग रहा है बहुत। और पजामा तो भिगा लिया मैंने पूरा यार अपना नीचे से। और अभी आपको दिखाता हूँ आगे का, कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे, देखिए। वाओ, दिल खुश हो गया यार। ये देखिए, ये है पंचायत घर। कल मैं इसके ऊपर से वीडियोस बना रहा था आपके लिए। और वो देखिए सामने, अब आपको बीचे बाखे दिख रहा होगा, ये सॉरी पारा बाखे दिख रहा होगा, और ये बीचे बाखे। और ये वो रास्ता है जहाँ से अभी मैं वो मंदिर से आया, देखो मंदिर दिख रहा होगा। और ये वो रास्ता है, कभी सब तीन चार जने इकट्ठे होकर लाइन पर जाते थे। और मेरे नाना देखो खिड़की से देख रहे हैं मैं कहाँ चला गया बारिश में, तो उनको टेंशन हो जाती है मेरी कि किधर चला गया। और ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। और ये पंचायत घर की तो बहुत सारी यादें, बहुत सारी। और जो लोग देख रहे हो अभी इस पंचायत घर को, यहाँ से जुड़े हुए शहरों में बैठे हैं, अगर उन्हें कुछ अपने भी पलों को याद, उनकी भी कोई मेमोरी ताजी हुई हो, तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पे और वीडियोस को लाइक ज़रूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों का ही घर है, आप लोगों की भी कुछ मेमोरीज होंगी। तो शेयर ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स खाली है तो ठोक देना कुछ ना कुछ। और ये देखें, और वहाँ पे देखो मैंने दिखाया टॉप पे, वहाँ पे रोड है। तो देखो इतनी दूर से जाते हैं बच्चे चल के, यहाँ से पूरा शुरू से ही, चाहे सामान लेने जाना हो या सीधा स्कूल जाना हो, तो सीधा वो टॉप पे जाना पड़ता है। वो बिजली का खंभा दिख रहा है वहाँ छोटे से ऊपर, बिल्कुल टॉप पे वहाँ पे रोड है। और वहाँ से फिर आगे को जाना पड़ता है, फिर वहाँ है पाली इंटर कॉलेज जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं। देखो कितना साफ़ हो गया, अब धीरे धीरे आपसे बात करते करते मौसम भी साफ़ हो रहा है देखो। पर अभी एक दो घंटे की ही राहत मिलेगी, नहीं तो ऐसे रिमझिम होती रहेगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यहाँ लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। मैं आपका भरत टमटा ऐसे प्यारे प्यारे ब्लॉग आपके लिए लाता रहूँगा। प्लीज़ यार आप लोग भी ऐसे चैनल को सपोर्ट करना और खूब प्यार बरसाना, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ तक आया हूँ वो भी आप लोगों के ही प्यार की वजह से आया हूँ, बहुत सालों का ड्रीम था, आप ही लोगों की वजह से कम्प्लीट हुआ है। तो आप सभी को दिल से शुक्रिया मेरे स्ट्रीम को पूरा करने के लिए, तो मैं आप सबका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू आप सभी लोगों को। चलो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा।